कहाँ, मऊरानी पर ब्लॉक से आया है क्या? क्या मऊ से है? मऊ में कितनी हुई है? मऊ में दो मीटिंग हुई है, एक शपथ ग्रहण की और एक मीटिंग हुई है। बड़ा गाँव में कितनी मऊ से है? मोट से है कोई? मोट से, मोट से, मोट से है कोई? चिरगांव ब्लॉक से है? चिरगांव से दो हुई है सर जी। चिरगांव से, बड़ा गाँव से तीन से एक हुई। बड़ा गाँव एक एक मीटिंग हुई है। बड़ा गाँव से आया कोई? क्या बड़ा गाँव से दो दो हुई? ये तमाम लोग हैं अलग अलग ब्लॉक से लोग आए हैं, गुड़सराय से, बामौर से, बड़ा गाँव से, बंगरा से। बंगरा से कोई है क्या? रवि भाई कहाँ है? रविकांत जी एक एक तस्वीर आप देखिए, एक तरफ शासनादेश है कि एक साल में 6 मीटिंग होनी चाहिए ताकि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं प्रधान नहीं बता पा रहा है वो कम से कम जिला पंचायत सदस्य बता सके और उन पर कुछ काम हो सके, क्षेत्र पंचायत सदस्य बता सकें। लेकिन जब मीटिंग नहीं होगी तो ये लोग समस्या कैसे रखेंगे, कैसे उन पर काम होगा, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा मानदेय और बैठक के अलावा और भी तमाम चीज़ें हैं, मनरेगा में हिस्सेदारी का भी एक मुद्दा है जिसको लेकर आज ये लोग जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुँचे थे। इन लोगों का ज्ञापन तो ले लिया गया है लेकिन जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई है। मांगे हैं हम लोग, जैसे कि गांव से चुनाव लड़के आते हैं, प्रधान जैसे चुनाव लड़ता है उसी तरीके से हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं गाँव में, लेकिन प्रधान के लिए तो बहुत से कार्य योजनाएं हैं लेकिन हम क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए कोई भी कार्य योजना नहीं है। हम सबके लिए सिर्फ इतना है कि हम ब्लॉक प्रमुख तय करें, MLC तय करें, इसके बाद हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए आज हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि हम लोगों को भी सरकार में कुछ भागीदारी मिले, जैसे कि प्रधान को मिलती है उसी तरीके से कुछ कार्य योजना हमें भी मिले, जैसे कि नरेगा है हमारा, नरेगा में काम हो मिले हम लोगों को भी 30% काम, जैसे प्रधान को मिलता है तो 30% काम हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि हम भी तो 2000 वोट पर चुनाव लड़के आते हैं। प्रधान जो है कि गांव कहीं कहीं ऐसे गांव हैं जहां छोटे गांव हैं तो प्रधान 1000 वोट पे भी प्रधान बने हैं, और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए अगर दो गांव जुड़े या चार जुड़े 2000 से कम वोट पे कभी क्षेत्र पंचायत चुनाव नहीं लड़ता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारा यानी कि प्रधान से बड़ा है, प्रधान ग्राम का है, हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य क्षेत्र के हैं, फिर भी हम लोगों के पास कोई कार्य योजना नहीं है। हम लोग बिल्कुल ये समझ लो बेरोजगार की तरह हैं सब क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोई एक काम नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। तो आज हम सब यहाँ DM साहब के यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं, हमारा जैसे कि नरेगा में काम मिल जाए हमको, और हमारा जो मानदेय है प्रधान को 5000 रुपये प्रति माह मिलता है तो हम लोगों का भी अधिकार बनता है कि हम लोगों को भी मिलना चाहिए। और हमारे जैसे कि ये मीटिंग होती है प्रमुख के यहाँ तो ऊपर से जियो पास है कि हर सालाना यानी कि 6 मीटिंग जरूरी है, तो कोई भी ब्लॉक प्रमुख हम लोगों की नहीं सुनता है और पूरे साल में एक मीटिंग होती है, 6 अधिकार हैं हम लोगों के, वो एक मीटिंग भी बड़ी मुश्किल में होती है पूरी साल में। जब हम लोग फिरते रहते हैं तो हम लोगों के किसी का अभी तक भत्ता भी नहीं है। कई ब्लॉक है हमारे झांसी ज़िले में, 8 ब्लॉक हैं, तो कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें तो एक भी मीटिंग नहीं हुई, कहीं कहीं एक हो गई, कहीं नहीं भी हुई। तो यह है कि सबका सम्मान होना चाहिए, हर ब्लॉक में एक जैसा हम लोगों के साथ बर्ताव होना चाहिए, और हम लोगों की मांगों को लेकर हम DM साहब को आज ज्ञापन दे रहे हैं। ये आशीष जी थे जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के जिले के अध्यक्ष हैं, इन्होंने चर्चा की। इनके मुद्दे ये हैं कि जो प्रधान की तरह ये लोग चुनाव लड़ते हैं लेकिन प्रधान को मानदेय मिलता है, इन लोगों को मानदेय भी नहीं मिलता है, मनरेगा के काम में भी इन लोगों की हिस्सेदारी हो। एक तरफ शासनादेश ये है कि एक साल में 6 मीटिंग होनी चाहिए, 6 बैठक होना चाहिए जिससे ये लोग अपने क्षेत्र की समस्याएं बता सकें, अपने आसपास की समस्याएं बता सकें, उन पर कुछ काम हो। लेकिन अधिकतर ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ मीटिंग भी नहीं हुई, कहीं कहीं तो 2 साल में केवल 1 मीटिंग हुई है। इन मुद्दों को लेकर ये लोग यहाँ आए हैं और इन्हें हर मीटिंग का कुछ भत्ता भी मिलता है, करीब 1000 रुपये मिलता है, लेकिन जब मीटिंग नहीं होगी तो इन्हें भत्ता कैसे मिलेगा? क्या कुछ आश्वासन मिला है अधिकारियों की तरफ से? अभी आश्वासन नहीं मिला है, DM साहब चूँकि चले गए हैं और हम लोगों को बोल दिया था, अभी मैडम खड़ी थी तो हमने कहा कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं और जब DM साहब बाहर निकलेंगे तो हम लोगों को ज्ञापन देना है, तो उन्होंने कहा आप इंतजार करो। तो इसके दौरान DM साहब निकल गए हैं, फिर हमारे जो असिस्टेंट साहब बैठे हैं तो उनने हमारा ज्ञापन लिया है। महोदय से मैंने यही अनुरोध किया है कि हम लोगों की सुनवाई की जाए,
क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं उनने हमारा जीव 21 दिसंबर 2021 में लागू कर दिया था कि 30% प्रावधानों के अनुसार तुमको भी मनरेगा में कार्य दिया जाएगा और तुमको भी उसकी भागीदारी मिलेगी, जबकि आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री महोदय का शासनादेश अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनने इतना संघर्ष किया है, सबके पैर छुए हैं और पूरे गांव में उनके प्रधान से ज़्यादा वोटों से, यानी कि हम क्षेत्र पंचायत सदस्य दो गांव से बन के आए हैं, जबकि हमारे दो प्रधान हैं हमारे नीचे, जबकि प्रधानों की इज्जत है, सम्मान है, उनके कार्य किए जाते हैं। हमको तो यहां तक कह दिया जाता है कि कोई भी कार्य यदि ब्लॉक में पूछने जाते हैं तो कह देते हैं कि नहीं प्रधान आएगा तुमको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, क्यों किसी की कोई इज्जत नहीं, नहीं कोई इज्जत नहीं है, उनसे कह दिया जाता है तुमको कानून का कोई आवास है या कोई भी कार्य है तो उसके लिए यदि सूची मांगी आती है तो बोले तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है। तो मैं माननीय जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार सारे नियमों का पालन यदि क्षेत्र पंचायत सदस्य करता है, आपके जो प्रधान करता है उसके अनुसार शपथ लेता है और जो भी आपकी राशि जमा होती है वो भी हम कानून का फॉलो करते हैं, तो हमको संविधान में लिखित होने के बावजूद इतना अलग थलग क्यों रखा गया है? यदि ऐसा ही है तो हम लोगों को भी हमारे प्रमाण पत्र वापस कर लिया जाए, ये पद ही समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन यदि रहता है तो हम लोगों को काम रहेगा, नहीं तो हमारी तो राजनीति हत्या हो गई है महोदय, अगली बार तो हम मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। यह इसलिए सभी अधिकारियों पद का महोदय और सभी से अनुरोध है कि इसको हमारी सूचना को दिखाया जाए। एक और महिला है हमारे साथ जो जिला पंचायत सदस्य, कहाँ से आई है? हम ब्लॉक गोरसराय से आए हैं, हमारा ग्राम ढपकई लगता है और हमारे प्रमुख जी पटेल साहब हैं। तो जैसे भी कोई भी काम मिलता है हम लोगों को तो ना तो हमें उस काम की जानकारी दी जाती है कि आपका ये काम पास हो गया है, और फिर जिसका भी टेंडर लगता है फर्म पे जिसके काम आता है ना ये जानकारी दी जाती है कि इसके फर्म पे काम आया है, ये ठेकेदार करवा रहा है। वो कहते हैं कि बीडीसी का सिर्फ इतना ही काम है कि आप तो सिर्फ बताइए कि यहाँ काम होना है, उसमें से ये नहीं बताया जाता है कि ये काम आपका पास हुआ। जैसे हमने चार काम दिए तो हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हमारा कौन सा काम पास हुआ, कब किसको किसके फार्म पे डला है, कितनी लागत है। जब पूरा काम होने के बावजूद जब काम हो जाता है किसी किसी बीडीसीओं को तो पत्थर ही नहीं लगते, किसी के लगते हैं, तो जब बाद में पता चलता है पत्थर लगने के बाद कि इतनी लागत का काम हुआ। अच्छा एक बात बताइए, गुरसराय में 2 साल हो गए हैं, गुरसराय ब्लॉक में कितनी बैठक हुई आप लोगों की? हमारे यहाँ एक तो शपथ ग्रहण हुई थी, एक बैठक हुई थी और एक बैठक अभी हुई है। पूरी कुल 2 बैठक हुई? नहीं, 2 बैठक हुई, एक शपथ ग्रहण, 3 मान ली जाए। 3 मान ली। 2 बैठक।